अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुतीर रहमान अजीज, एडिटर ऑनर पैगाम मादर वतन दिल्ली से। आज हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना में दो तरह के मामलों की सुनवाई थी। एक तो शहबाज की तरफ से एक अपील दी गई थी कि सीबीआई को मामला दिया जाए, और दूसरा हमारी तरफ से यानी कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की तरफ से एसएफआईओ को मामला देने के लिए डेट थी, जिसमें कि दोनों पर सुनवाई हुई। दोनों पर सुनवाई होने के बाद एसएफआईओ मामले को ऑनरेबल जज ने 8 तारीख तक के लिए पोस्टपोन कर दिया है, बढ़ा दिया है वक्त को, और सीबीआई के मामले को 2 हफ्ते का वक्त ऑनरेबल जज ने दिया है। हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना के जज ने काउंटर फाइल करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया है। इस मामले से बौखलाया हुआ शहबाज अहमद खान एमआईएम अल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक लीडर है, वो इस मामले से बौखलाया हुआ जल्दी जल्दी अपनी ऑफिस में वापस आया है, और वापस आने के बाद उसने लाइव आकर के लोगों को बौखलाने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए, लोगों को डराने के लिए ये कह रहा है कि हम कामयाब हो गए और हमें कामयाबी मिल गई, जबकि ये सरासर झूठ है, सरासर झूठ है, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। क्योंकि मैं आगे मेरी बातचीत को सीनियर वकील ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो कि अपने मामलात के सीनियर वकील हैं अवतार सिंह, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं, उनकी बातचीत को आगे मैं चला रहा हूं। आप खुद सुने कि ये शख्स शहबाज अहमद खान एमआईएम नामी शख्स किस तरह से चालबाजी और झूठ से काम ले रहा है, तो आप खुद सुनिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हेलो जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी, जो है ये झूठ बोल रहा है लोगों को मिसगाइड करने के लिए। जी सर, तो सिंपल, दो हफ्ते का टाइम मिला काउंटर दाखिल करना था। हमने कहा पूरा रिकॉर्ड इसकी, जितनी भी इसके क्रिमिनल केसेस हैं, इसका कोई लोकस नहीं है, सब हम लाएंगे। जी सर, ये शाहबाज तो फाइल ही नहीं कर सकता, इसके खिलाफ तो रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी है। जी सर, ये सब हम रिकॉर्ड में लाएंगे, तो कोर्ट ने कहा जहाँ ठीक है 2 हफ्ते में फाइल करो। ओके सर, काउंटर फाइल करना है। काउंटर फाइल करना है कि इसके खिलाफ जितने भी वो है केस चल रहे हैं वो सब हम लाएंगे रिकॉर्ड में। ओके सर, ये आदमी ये फ्रॉडगिरी करता है। अच्छा, इसके खिलाफ खुद लोअर कोर्ट ने रिस्ट्रेन ऑर्डर दिया है। ओके सर, और नहीं तो हम इसकी अवमानना करेंगे, इसको जेल में छोड़ देंगे। हाई कोर्ट ने भी इसको बोला था कि किसी तरह का सोशल मीडिया पर हेरा ग्रुप के खिलाफ एक्टिविटी नहीं करेगा उसकी भी। हाँ वही तो, वो जो ये फिर कर रहा है, कंटेम्प फाइल करना पड़ेगा, के खिलाफ कंटेम्प फाइल करना पड़ेगा। ओके सर, ओके सर। अच्छा सर, लोग जानना चाहते हैं कि आज क्या हुआ, आज दोनों कोर्ट में सीबीआई मामले में, और इसे क्या हुआ कि ये बीच में मोशन नोटिस वाले काफी समय चला गया, करीब 1.5 घंटा बचा हुआ था। जी सर, तो उसमें कुछ जो सर्विस नहीं हो पाई थी। ओके सर, तो उनसे ये कहा गया ये हमारे वो करेंगे कि उनको पर्सनल नोटिस दो। जी सर, जो इन्वेस्टर जो कंप्लेंट का हमने रिस्पोंडेंट बनाया था, जिनका नाम लिखा था कि इनकी कंप्लेंट है। हाँ सर, उनमें से कुछ लोगों को सर्विस नहीं हो पाई थी। ओके सर, तो उनको सर्विस करना और 8 तारीख को हियरिंग के लिए लगा दिया। जी सर, तो बहुत लंबा ले लिया सर, बहुत लंबा इन्होंने टाइम ले लिया, तो इससे पहले लेने की आप लोगों ने कोशिश की सर? जज भी बड़ी लिथार्जिक है, वो जज खुद ही वो कहा जी 8 तारीख को 2:15 पे लगा दिया थी। ओके सर, ओके सर, तो क्या पॉजिटिविटी है सर अपने लिए आइंदा की तारीखों में? आज पॉजिटिविटी तो हमेशा पॉजिटिविटी है, केस हमारा अच्छा है, लेकिन क्या करेंगे, कोर्ट सुन नहीं रही है, कभी मोशन नोटिस ले लिया, कभी कुछ और केस ले लिया, समय नहीं बचा। अच्छा सर, ये तो थोड़ा लंबा केस है, इसमें बहस तो थोड़ा लंबी होगी। ओके सर, लंबे होने। ओके सर, तो टाइम भी नहीं था, तो इसलिए उसने कहा कि तुम उनको व्यक्तिगत तरीके से नोटिस दो, पर जो होता है वो 10 नोटिस। जी 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 सर, जी सर, ऐसा होता है कि रिस्पोंडेंट को जब तक सबको नोटिस नहीं दिया तो सुनवाई तरफा नहीं होती है। ओके सर, ओके सर, कोर्ट में आए ना आए उनको नोटिस होना चाहिए। आज आर्ग्यूमेंट भी ठीक ठाक आर्ग्यूमेंट हुआ सर अपनी तरफ से?
उतनी कड़ी रहे थे वो जज उसी बात पे दुलमल हो गया ना, तो थक गई थी वो मोशन नोटिस सुनते रही लोगों के। ओके सर। उसके बाद उसे उसे ये कहना था तो उसने उसी चीज पे चली गई कि ये जो नोटिस चालू करो, सर्विस कम्प्लीट करो। जी सर। बहुत हम बैग खड़ी रहे थे लेकिन वो फाइल पढ़ने लग गई थी। ओके सर। तो हो जाएगी। ठीक है सर, तो इसको पब्लिक के लिए आपकी ये वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं सर। हाँ। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया।